आज हम पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। तो पहले हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद हम फिर बाद में डिटेल उनके थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम आप देख रहे हो जैसे एक बड़ी सॉलिनॉइड है, उसमें से हम एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो कि एक रॉड की फॉर्म है उसके पास लाते हैं, तो एक बहुत तेज़ी से वो अंदर की तरफ जाता है। इसका मतलब क्या है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, जैसे ही हम उसे मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करने का ट्राई करता है। जैसे हम कोई मैग्नेट होती है उसे हम आयरन नेल्स के पास लेके जाएं तो वो एकदम मैग्नेट की तरफ भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि वहाँ मैग्नेट स्ट्रांग है। ऐसे ही इस केस में जैसे वो बाहर निकालने का ट्राई कर रहे हैं प्रोफेसर, ये प्रोफेसर वॉल्टर एल्विन की क्लास से लिया गया है ये वीडियो, तो वो उसके अकॉर्डिंगली वो बाहर आने से वो रेजिस्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो अब ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक होते हैं, जैसे वाटर हो गया, ग्लास हो गया, ये डायमैग्नेटिक होते हैं, और जो एल्यूमिनियम होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो इनका जो मेन कंसेप्ट होता है पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक का, वो ये होता है कि इनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन करता है मेनली कि कौन कैसा होगा। अब फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, जैसे ही मैग्नेट को हम लेके आएंगे आयरन के पास, उसे हम कुछ नेल्स से चिपकाएंगे, फिर उसके बाद मैग्नेट को हटा भी देंगे तो नेल्स के अंदर थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बचती है। वो इसलिए बचती है, ये कैरेक्टरिस्टिक है फेरोमैग्नेटिक की। पैरामैग्नेटिज्म में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें अंदर जो मैग्नेटिज्म डायपोल मोमेंट जो जनरेट, डायपोल नहीं मैग्नेटिक मोमेंट जो जनरेट होता है वो बहुत ही वीक होता है। ठीक है, तो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक होता है। अब वीडियो में हमने देख रहे हैं कि लिक्विड ऑक्सीजन है, वो हम दो मैग्नेट्स के बीच में हम डाल रहे हैं, तो वो लिक्विड ऑक्सीजन उनके बीच में एक बॉन्ड सा बना रही थी। ठीक है, अब जैसे गैडोलियम ऑक्साइड है, ये भी एक, तो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ मटेरियल जो होते हैं ये बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक के। तो एक कंपाउंड होगा जैसे बिस्मिथ होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायमैग्नेटिक कंपाउंड होता है, और जैसे ग्रेफाइट है ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायमैग्नेटिक है। कुछ कंपाउंड्स जैसे इस पर्टिकुलर अभी वीडियो में, जैसे जब भी हम ग्रेफाइट के पास लेके जा रहे हैं मैग्नेट को, तो ग्रेफाइट मूव कर रहा है। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस होता तो बहुत तेज़ी से मूव करता है या स्लाइड करता है, जो भी करता है। तो अगर हमें ये प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो हम कोई मार्बल या किसी ऐसी जगह लेंगे तो आराम से हो जाएगा। अब जैसे ये मैग्नेट है, ऊपर से हमने ग्रेफाइट रख दिया स्लोप बना के, तो आराम से स्लिप होता हुआ आगे चला गया। अब जब डायमैग्नेटिक को हम लो टेम्परेचर पर रखते हैं जैसे सेमीकंडक्टर्स को, तो परफेक्ट डायमैग्नेटिक हो जाता है। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक एट वेरी लो टेम्परेचर आर परफेक्ट डायमैग्नेटिक। और इसके अलावा हम बहुत सारे डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स हैं, फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स या पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स तो फिर भी कम है, डायमैग्नेटिक काफ़ी कंपाउंड्स होते हैं। अब जैसे बिस्मिथ है, अब बिस्मिथ को हमने चारकोल के ऊपर रखा, पानी पर रख दिया, और जैसे हम कंपाउंड पास लेके गए तो वो आगे की तरफ मूव करने लगा। ठीक है, अब जैसे ये वीडियो, ये हमने पर्ड्यू यूनिवर्सिटी है वहाँ से हमने लिया है, तो ये जैसे ये दिखा रहा है कि पहले एक एल्यूमिनियम में, ये जैसे अभी एल्यूमिनियम वो स्टिक नहीं करता लेकिन आयरन है वो स्टिक करता है, या जो माइल्ड स्टील होती है वो भी स्टिक करती है मैग्नेट से, जो बहुत अच्छी स्टेनलेस स्टील होती है कई बार वो ही स्टिक नहीं करती, लेकिन जो आयरन होता है वो तो नॉर्मली स्टिक करता ही है। तो जो इसमें हम ऐसे क्लासीफाई करते हैं कि जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है एल्यूमिनियम की वो 1 के आसपास होती है, 1 से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक है और ये पॉजिटिव होती है। अब आयरन की 6000 के आसपास होती है पैरामैग्नेटिक, स्टील की 1000 के आसपास होती है रिलेटिव परमिबिलिटी। तो इसका मतलब ये कि जो मैग्नेटिज्म के इसके, अभी तो हम इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अगर किसी की परमिबिलिटी कम है तो मैग्नेट की तरफ कम अट्रैक्ट होगा, किसी की रिलेटिव परमिबिलिटी ज़्यादा है तो मैग्नेट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। ठीक है, जो डायमैग्नेटिक है उनकी रिलेटिव परमिबिलिटी नेगेटिव होती है। ओके, अब जैसे ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है जिसमें अराउंड हाफ टेस्ला या उसके आसपास मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, और हम इसे पास लेके जा रहे हैं एक एल्यूमिनियम सिलेंडर से जो हमने रॉड से किसी धागे से लटका रखा है। ठीक है, अब हम जैसे वहाँ जाएंगे तो एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक है, इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट तो होता है लेकिन थोड़ा कम होता है, इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक है। तो जैसे ये मैग्नेट के पास बीच में जाएगा तो ये अलाइन अपने को इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा कि वहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के आसपास ये
अपने को अलाइन करने की कोशिश करेगा सेंटर के, पहली बात तो ये सेंटर के सेंटर में जाने की कोशिश करेगा, फिर एक होगा, फिर ये अब उसके लेंथ के अलोंग अलाइन कर रहा है, जैसे अभी कर रहा है लेंथ के अलोंग ये अलाइनमेंट दिखाएगा। अब हम इसे थोड़ा सा, जब मैग्नेटिक फील्ड को हम थोड़ा सा घुमा रहे हैं तो इसी के अकॉर्डिंगली घूम भी रहा है, क्योंकि ये पैरा मैग्नेटिक है, उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक यही होती है कि उसके अलोंग घूमना चाहेगा, ठीक है। और जैसे मैग्नेट के पास जो स्ट्रांग मैग्नेट है, तो जैसी मैग्नेट थोड़ी पास आ रही है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेट है, नॉर्मल मैग्नेट्स जैसी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेट है, हाफ टेस्ला के आसपास ये मैग्नेट है, ठीक है। और जैसे ही हम मैग्नेट को दूर रखेंगे तो इंडिपेंडेंटली घूमने लगेगा वो। अब जैसे ये फिर से ग्रेफाइट का एग्जाम्पल है, ये ग्रेफाइट की बहुत पतली लेयर है और इसको हम एक मैग्नेट्स के ऊपर रख रहे हैं, तो जैसे ही हम मैग्नेट्स के ऊपर रखेंगे तो ये ड्राइव करेगा, ऐसी जगह शिफ्ट करेगा जहाँ पर मैग्नेट नहीं है, जब मैग्नेट भी बहुत वीक है, तो डालते ही फिसलने की कोशिश करेगा। लेकिन अब बाई चांस ऐसे थोड़ा अरेंज करके रख दिया जाए कि बाहर ना भाग पाए सेंटर में कहीं पर, तो देखो अब ये हवा में है, ऑलमोस्ट आराम से स्लिप कर रहा है, इसके नीचे से हम पेपर भी पास कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से रिपेल हो रहा है और रिपेल करके एयर में है, तो इसे हम टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म भी कह सकते हैं एक तरह से। तो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, इनफैक्ट आजकल डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इंडस्ट्री में, सेमीकंडक्टर्स डायमैग्नेटिक होते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब जैसे ये एक और एग्जांपल है, ये जो हम मैकेनिकल पेंसिल जो घर में यूज़ करते हैं हम, तो वो ग्रेफाइट की होती है, जो मैग्नेट जब इसके पास लाएंगे तो उससे वो दूर भागेगी, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट जो है वो डायमैग्नेटिक कंपाउंड है। ये एग्जांपल सबसे अच्छी तरह तब होता है जब फ्रिक्शन और सरफेस पर कम होगा, ज़्यादा सरफेस होगा तो मूव ही नहीं करेगा, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो दूर जाने की कोशिश कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ, अब जैसे इसमें हम ये एक रफ आइडिया भी हो सकता है कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है, कि वो अगर फ्रिक्शन बहुत कम है तो हम एक तरह से ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितना फोर्स लग रहा है उस पर, हर रफली आइडिया। अब जैसे ग्लास है, ये डायमैग्नेटिक कंपाउंड है, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लेके जाएंगे, ये क्या करेगा, ये इस तरह से अलाइन करेगा कि मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड इससे पास हो, या फिर जो मैक्सिमम सेंटर है मैग्नेटिक फील्ड का उससे थोड़ा सा दूर हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि ये ग्लास क्या है, एक डायमैग्नेटिक कंपाउंड है, जो कि डायमैग्नेटिक की कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाता है, ठीक है। तो ये जैसे ही हमने ये रखा सेंटर में, ये अलाइन करने की कोशिश कर रहा है, और फिर क्योंकि अभी परपेंडिकुलर अलाइन हो चुका है मैग्नेटिक फील्ड के, और ये इस तरह से लीस्ट मैग्नेटिक फ्लक्स इससे पास होगा। अब जैसे ही हमने हर्ब से हटाया, वो वापस उसने अपने नॉर्मल पोजीशन पर चला गया, ओके। ये हम पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बारे में पढ़ेंगे कि इनका कौन कोई कंपाउंड डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है, कोई पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक दिखाता है। तो जैसे हम इलास्टिसिटी में पढ़ते थे, जो उसका रूट स्ट्रक्चर होता है, यही मेन रूट कॉज होता है इलास्टिसिटी का। सिमिलरली जो इनका स्ट्रक्चर होता है, वही डिटरमाइन करता है कि वो पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, और उसमें भी मेनली वो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम्स के, वो काफ़ी हद तक वो डिटरमाइन करते हैं। फिर हम हाई लेवल पर भी ये भी पढ़ते हैं कि कुछ लैटिस स्ट्रक्चर कैसा है, वो भी डिटरमाइन करता है कई बार, ठीक है। तो अभी हम एक सिंपल केस कंसीडर करते हैं कि ये मैग्नेट है, कोई काफ़ी स्ट्रांग मैग्नेट है, जो हमने जो भी मटेरियल्स के पास रखी है, तो वहाँ पर तो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ एटम्स और या मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हम उसमें फिर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, तो अभी हम एक सिंपल वन उसका एक सिंपल एटम या इलेक्ट्रॉन की बात करके हम यहाँ पर भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब कोई एक सिंगल मैग्नेटिक मोमेंट है, सिंगल मैग्नेटिक मोमेंट भाई, चाहे वो इस तरह से अरेंज कर रहा है उसने अपने आप को, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसने अपने आप को ऐसे अरेंज किया जिसमें करेंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। और उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो डाउनवर्ड है, तो इसमें क्या है, मैग्नेट ऐसे रखी है और वो मोमेंट ऐसे है, ऐसे गोल गोल, तो इसमें करंट अंदर की साइड है इन द पेपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट ऐसे है, तो फोर्स कैसे लगेगा वो अभी हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड में वो ऐसे अरेंज कर लेता है कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका कोई भी एटम है जिसके पास मैग्नेटिक मोमेंट है। तो हमें पता है फोर्स कैसे निकालना होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है वहाँ पर, करंट फ्लो हो रहा है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो हम जैसे ये ग्राफ में एक्सप्लेन कर रखा है, ये आई फिगर में, जैसे आई करंट है
इधर मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स ऐसे लगेगा। तो इस केस में इधर की साइड अगर हम देखें तो फोर्स ऐसे लगेगा इधर की साइड ऊपर, इधर देखें तो ऐसे। तो मैग्नेट तो ऐसे रखी थी तो उस पर सब जगह से फोर्स ऐसे ऐसे लगेगा ऊपर की साइड। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा वर्टिकल ऐसे, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल जाएगा। तो इन दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये वाला और ये वाला, और ये वाला ऐड हो जाएगा। तो ये जो जिसका भी मैग्नेट मूवमेंट है वो स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा। तो ये क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी पैरामैग्नेटिक की। और जब काफी स्ट्रांग होगा जैसे आयरन कोबाल्ट निकल के केस में होता है या मैग्नेटाइट के केस में होता है तो ये और ज्यादा फास्ट उधर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो उसे हम कह देते हैं कि ये कंपाउंड होल पैरामैग्नेटिक या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जैसे एक और कंपाउंड होता है गैडोलिनियम ऑक्साइड, वो बिलो 90 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो वेरी स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक होता है। कई बुक्स में उसको फेरोमैग्नेटिक भी रेफर करते हैं। और भी कुछ एलॉयज होते हैं या मिनरल्स होते हैं जो फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं, ठीक है। तो ये मेन, अब बाई चांस केस में डायमैग्नेटिक होता है तो डायमैग्नेटिक क्या होता है, तो फोर्स अपवर्ड की तरफ नहीं होता, फोर्स ऐसे डाउनवर्ड की, फोर्स इधर नहीं फिर फोर्स इधर लगता है जिसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड आ जाता है तो ये उससे दूर होने की ट्राई करता है। अभी क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नीचे है फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऊपर हो जाता है, फोर्स नीचे हो जाता है, ठीक है, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो ठीक है, तो ये हमारा मेन रीजन है कि कोई भी कंपाउंड पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक शो क्यों करते हैं, डायमैग्नेटिक शो क्यों। और ये बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है, अदरवाइज जो रियल प्रैक्टिकली होता है वो तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक रिलेटिव परमिबिलिटी, परमिबिलिटी, मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी, मैग्नेटाइजेशन, ये सब टर्म्स है जो मेनली यूज होती है हम मैग्नेट्स के केस में, स्पेशली जब कोई मटेरियल है उसको वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर देते हैं कि वो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, ठीक है। और जो एक सिंपल वे में हम कहते हैं कि मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मेन डिफरेंस क्या होता है, जो डायमैग्नेट में जो छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं वो रैंडमली होते हैं, पहले तो जब तक मैग्नेट फील्ड नहीं लगता, जैसी मैग्नेटिक फील्ड लगता है वो उसके फिर ऑपोजिट एक्ट करने लग जाते हैं, फिर उसके ऑपोजिट एक्ट करने लग जाते हैं। पैरामैग्नेटिक में उसके लाइन के अलॉन्ग एक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उनके लाइन के अलॉन्ग एक्ट करता है। और फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, वो कई सारे ऑलरेडी पहले से इकट्ठे होते हैं जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। लेट अस सपोज इतना बड़ा कोई एरिया है तो हो सकता है इतने एरिया में वो इस तरह से होंगे, इस एरिया में ऐसे होंगे, मतलब एक डोमेन, एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया जिसे हम डोमेन बोलते हैं उसमें वो मोमेंट कहीं कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन हो रखा होता है। और जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं वो एक लाइन में या एक डायरेक्शन में हो जाते हैं और वो फिर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये डोमेन कंसेप्ट जो है ये फेरोमैग्नेटिज्म में आता है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में नहीं आता, ठीक है।